तो ऑरेस्ट की फैमिली, क्या हाल चाल सभी की। आई होप कि आप सब बढ़िया से होंगे। देखो यार, ये जो गेम प्ले है ना, मेरे लाइफ का एक ऐसा गेम प्ले है ना, मैंने मतलब कि इससे पहले मैंने जब इरेंगल खेला था तो उसमें मेरा हाईएस्ट किल था 24, बट इस मैच में मैंने 27 किल किया, मतलब मैंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यार इस गेम प्ले को ना मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा, एक पॉइंट भी स्किप नहीं करूँगा, पूरा गेम प्ले दिखाऊंगा। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ते टाइम मेरे से इतना बड़ा मिस्टेक हो जाता है ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ। देखो यार, नॉर्मली जब रिकॉर्डिंग करते हो ना तो दो तरह के साउंड रिकॉर्ड होते हैं, एक तो सिस्टम ऑडियो या रिकॉर्ड होता है माइक्रोफोन ऑडियो रिकॉर्ड, है ना। तो मेरे यहाँ पे ना माइक्रोफोन पे था, मतलब गेम का साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ा बहुत पता नहीं कैसे गेम का साउंड रिकॉर्ड हो गया था, तो मैंने इसको बूस्ट करके बहुत ज़्यादा कर दिया। लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन तुम थोड़ा मैनेज कर लेना। यहाँ पे देखो, एक बंदे को थोड़ा डैमेज दिया, लेकिन सामने के साइड और बंदे। अब जस्ट डीपी रीलोड आ ही गया, तो मैं दूसरा गन उठाता हूँ। अब इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज पड़ा था, तो मैं सीधा इसके ऊपर ना पुश कर देता हूँ जल्दी से जाके, क्योंकि ये बंदा पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नॉक बंदा दिखा मेरे को, इसको फिनिश करता हूँ। मुझे लग रहा था कि ये बंदा यहाँ से आएगा, बट पता नहीं कहाँ गायब हो गया ये लौंडा। अब यहाँ पे बंदे ना ज़्यादा आए नहीं थे, लेकिन एक बॉट दिखा। अब इस बॉट को भी नॉक करके फिनिश करता हूँ। अब यहाँ पे जो एक और बंदा था, जहाँ पे यहाँ से भाग के गया, लेकिन उसके पीछे मैंने काफ़ी दूर तक किया, लेकिन मेरे को दिखा ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, मेरे ना बस 4 ही किल हुए थे, पूरा इवेंट खाली हो चुका था, यहाँ पे बिल्कुल भी बंदे नहीं थे। अब मैं सोचता हूँ कि ना ये इवेंट पे थोड़ा बहुत लूट करके इवेंट की तरफ जाया जाए, लेकिन यहाँ पे ना जो इंसिडेंट होने लगता है धीरे धीरे, तुम देखना यार पूरे मैच में देखना कि कैसे कैसे एक एक किल निकालते हो। क्लच तो इस मैच में कम से कम 3-4 निकलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूटपाट करता हूँ थोड़ा बहुत, और जल्दी से जाता हूँ नीचे लूटने के लिए, क्योंकि वहाँ से मेरे को अच्छे खासे गन वगैरह मिल सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो इस वीडियो को ना स्किप कर करके देखना, लेकिन ना वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल मत करना। इस गेम प्ले को मेरा पूरा डालने का ये मतलब है कि आपको भी थोड़ा बहुत मिल सकता है कुछ ना कुछ। देखो, उतना प्रो प्लेयर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ तो टिप मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिल ही सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं और मेरा 4 नंबर फिलहाल यहाँ पे गुफा के अंदर आते हैं लूटने के लिए, क्योंकि अपने पास उतना खास अभी तक लूट मिला नहीं है। और यहाँ पे इवेंट में बस 4 ही किल मिले थे, मतलब बंदे ज़्यादा आए नहीं थे। अब मैं सोच रहा था कि भाई ये भी नॉर्मल गेम प्ले होने वाला है, बट आगे जाके बहुत ही खतरनाक गेम प्ले होने वाला है भाई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने किल हो जाएंगे। फिलहाल देखो, यहाँ पे हम लोग लूटपाट करने के बिजी थे। अपने को मिल चुका था AMR, और AMR लेके मैं नीचे कूद जाता हूँ, क्योंकि मेरे को शॉपिंग की तरफ भी जाना था। मेरे को पता नहीं अच्छा सा स्कोप मिला है कि नहीं। सबसे पहले मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ पोचिंग की में कोई बंदा वगैरह है कि नहीं। यार अब नॉर्मल टाइम में एक ना एक बंदा पोचिंग की में मिल ही जाता है, बट इस टाइम पे पता नहीं क्यों मेरे सामने एक भी बंदा नज़र नहीं आ रहा था पोचिंग की में। अब एक बंदा देखो यहाँ पे ग्लेशियर चमका रहा था AKM का, इसको भी लेता हूँ लपेटे में, बट तुम लोग देखना कैसे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे बैग में भाई साहब ATX पड़ा हुआ है, तो मेरे को उतना मतलब अभी स्कोप की ज़रूरत नहीं थी। मैं कॉइन इकट्ठा कर रहा था क्योंकि मेरे को 6x लेना था, लेकिन यहाँ पे 16-17 कॉइन हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ना M4 लिया जाए। 8x तो ऑलरेडी अपने पास है ही, और 3x तो अच्छा चला लेता हूँ मैं फिर भी। अब यहाँ पे मैं M4 लेता हूँ, और 4 नंबर ना नीचे भी आ गया था मेरे साथ। अब यहाँ पे वो ना गाड़ी लेके निकलता है, मैं ना गाड़ी पे बैठने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरे को नहीं लेता है। अब मेरे को गुस्सा आ रहा था, तो मैं इसे फायर कर देता हूँ, सोच रहा था कि इसका टायर पंचर कर दूंगा, लेकिन इसने तो और गलत किया मेरे साथ। सामने एक गाड़ी था, मैं सोचा ये लेके जाऊंगा, बट इसने इसको भी मतलब पंचर कर दिया गाड़ी को।
अब यहाँ पे मैंने AMR का 2 बुलेट भी इस पर बर्बाद कर दिया, शायद से उसकी गाड़ी पंचर हुआ कि नहीं। दिमाग तो ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा, मैं इस पर फायर किए ही जा रहा था कि इसका गाड़ी ब्लास्ट कर दूंगा, बट ऐसा हुआ नहीं, बहुत दूर चला जा चुका था ये। अब मैं सोचता हूँ कि आमने सामने बंदा तो मतलब कि कोई गाड़ी वगैरह तो है नहीं और बंदा भी नहीं है, तो क्यों ना इसी को लेके आगे बढ़ा जाए धीरे धीरे। अब मेरे को सामने यहाँ पे एक कूपर दिखता है, मतलब जान पे जाने भाई इस खटारे को लेके अभी जाना नहीं पड़ेगा, जो कि इसके दोनों टायर पंचर कर चुका था वो कमीना। अब मैं यहाँ पे कूपर उठाता हूँ और कूपर उठा के ना आगे की तरफ बंदे ढूंढने के लिए जाता हूँ। गाइस यार मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ, अगर आप बोर होते हो तो वीडियो को स्किप कर करके देखना, बट छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। अब यहाँ पे फिलहाल मेरे 4 ही किल थे, अभी भी मेरे को बंदे मिल ही नहीं रहे थे, मतलब ढूंढ तो रहा था मैं बट बंदे मिल नहीं रहे थे, तो मैं सोचता हूँ कि उन्हें अपार्टमेंट की साइड से आया जाए, उधर शायद बंदे हो सकते हैं। अब मेरे को पीछे के साइड से 2 बॉट के फायर आते हैं, बोले छोड़ो यार बंदे तो मिल नहीं रहे, कम से कम बॉट ही मार लेते हैं, तो मैं जाता हूँ बॉट की तरफ। अब देखो अब इसको फिनिश करने में मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना यार पता नहीं इवेंट में तो मैं गया था कि नहीं, मैं बोला छोड़ो यार सबसे पहले इवेंट की तरफ चलते हैं, जो बड़ा वाला इवेंट है, मेन इवेंट की तरफ मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हो ना हो एक आध बंदे तो मिल ही जाएंगे, तो सीधा मैं भागता हूँ इवेंट की तरफ। अब गाड़ी को यहाँ से मैंने सैलमन भाई की तरफ कुदाया, लेकिन मेरे को सामने बंदा दिखता है। अब देखो ये बंदा नहीं था, ये था बॉट। अब इस बॉट को फिनिश करता हूँ और सामने की साइड ना मेरे को तभी एक बंदा दिखता है शायद से। अब देखो इसको सीधा हेडशॉट देता हूँ, और इसके साथ ना मैं ना कुछ ऐसा करने वाला था, मतलब कि मस्ती मजाक कर रहा था मैं इसके साथ। अब मेरे पास ना वो उड़ने वाला पंछी था जो पानी में तैरता है, ये क्या हो इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको लेके मैं ना उसके साथ ना मस्ती करने लगता हूँ। बस यहाँ पे देखना AMR पे मेरे 6 AMO बुलेट बचे, लेकिन यहाँ पे मैं किस तरह से बर्बाद करता हूँ बुलेट्स को, और इसका किल भाई इस चक्कर में मेरे को इसका किल भी नहीं मिलता। देखना यहाँ पे मैं फ्लैग करने की कोशिश कर रहा था, मतलब ऊपर से कूदते हुए इस बंदे को मारने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे मैंने 2 बुलेट्स बर्बाद कर दिए थे, बट जैसे ही यहाँ पे इसको फिनिश करने वाला था, साले नीचे से किसी बंदे ने फिनिश कर दिया इसको। अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि भाई एक तो किल मिल नहीं रहा था, ऊपर से ये लौंडे किल ले रहे थे। फिर मैं जाता हूँ सीधा इनके ऊपर, देखो अब जो फाइट होने वाला था आप खुद देख लेना। अब ऊपर से मैंने देखा था कि बंदे पीछे के साइड है, तो मैं थोड़ा सा दूर आया क्योंकि AMR था मेरे पास, एक शॉट मारूंगा तो हेड शॉट तो ये बंदा नॉक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को कोई दिख नहीं रहा था, और जैसे मैं पंछी पे बैठता हूँ भाई तभी देखना बंदे ने फायर देता है। अब देखो आगे, अब मुझे पता चल चुका था कि बंदा पीछे की साइड है, तो मैं ये वाले टावर पे जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास AMR था तो लॉन्ग रेंज से फाइट करने में आसानी होगी। एक बंदे को हेडशॉट दिया, दूसरा भी डाउन, और इस पे था ना सेल्फ रिवाइव था, तो मैं सीधा पंछी निकालता हूँ और जल्दी से जल्दी जाता हूँ उसको फिनिश करने के लिए, क्योंकि वो बंदा ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा, बट वहाँ पे सीन बहुत ही गलत होने वाला था, खुद ही देख लो आगे। अब इनको नॉक फिनिश करके मैं ना आराम से लूटपाट कर ही रहा था, क्योंकि मेरे टीममेट भी यहाँ पे फिनिश हो चुका था, तो उसको रिकॉल मिला था और वो आ रहा था यहीं पे इवेंट पे। अब देखना सामने की साइड मेरे को एक बंदा दिखता है,
इस चर्चा को नॉक फिनिश करते ही मेरे को लग रहा था कि इवेंट अब खाली है, बट यहाँ पे देखना मेरे 9 किल हो चुके थे। अब एक और बंदा ना साइड से रेंगते हुए आ रहा था, जिसको मैंने एकदम पहले नॉक किया था यहाँ पे। अब यहाँ पे ना हम लोग सोच रहे थे क्यों ना इवेंट खाली हो चुका था, तो क्यों ना नीचे जाके ऑटो रिकॉल मिल सकता है अपने को। अब मैं जस्ट यहाँ पे पंछी पे बैठ के ऑटो रिकॉल लेने के लिए जाता हूँ और मेरे टीममेट भी वहीं पे आ जाता है। अब देखना यहाँ पे 4 नंबर भी कहीं पे जाके मर चुका था, जिसके साथ मेरा गाड़ी लेके बहस हो गया था। अब यहाँ पे अपने को रिकॉल कार्ड तो मिल जाता है और यहाँ से थोड़े बहुत गन भी उठाता हूँ। और मेरे EMR का एमओ ख़त्म हो चुका था, बस एक आध एमओ बची थी, तो मैंने उसको गिरा दिया और यहाँ से उठाता हूँ MG3। अब यहाँ पे मेरे बैग में जगह फुल हो चुका था, पता नहीं क्या क्या भर रखा था मैंने। अब पहले उसका खाली करता हूँ, खाली करके यहाँ से ना लूटपाट करके आगे की तरफ निकलने का सोचता हूँ। और आगे जो फसल मचने वाली है वो तो भाई और तबाही था। अब यहाँ पे एक नंबर के पीछे मैं बैठ तो गया था, बट इसका ड्राइविंग ना मेरे को उतना खास लग नहीं रहा था। लेकिन चलो सही है, इसने बहुत मुश्किल करके यहाँ से निकाल ही दिया अपने को। अब आगे देखना, मेरे को जब कोचिंग की तरफ जाता हूँ तो मेरे को कुछ बंदे दिखते हैं सामने। अब देखना उनको कैसे मारता हूँ। अब पहले तो मुझे लग रहा था कि ये एक ही टीम के बंदे हैं, बट ये अलग अलग टीम के बंदे थे। खैर इनको यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, बट ये सब के सब नॉक हुए थे, इनके टीममेट अभी भी जिंदा थे। और देखना इनके 2 टीममेट्स यहाँ पे अभी आते भी है, लेकिन उससे पहले एक और बंदे को पकड़ता हूँ। अब देखो तुम लोग आगे। ये चच्चा तो हिरन की तरह ऐसे कूद रहा था जैसे कूदने से एमओ पड़ता ही नहीं है उनको। लेकिन यहाँ पे इनको जैसे फिनिश करता हूँ नॉक करके, क्योंकि ये भी नॉक हुआ था, मतलब इसके भी बंदे अभी भी है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको फिनिश करता हूँ और तभी देखना पीछे के साइड इनके बंदे आ जाते हैं। अब इस लौंडे ने मेरे 3 नंबर के नॉक करके पेटी बना दिया था। अब मेरे को ना गुस्सा आ जाता है, देखना। अब ये दोनों तो ख़त्म हो चुके थे, बट पता नहीं इसका एक और टीममेट ना शायद रिकॉल, उनका नहीं बट इनके पहले वाले टीम का एक बंदे का टीममेट ना शायद रिकॉल पे था। अब मैं जस्ट यहाँ पे लूटपाट करके ना रिकॉल करने के लिए जाता हूँ टीम नंबर को, क्योंकि 3 नंबर फिनिश हो चुका था तो उसके पास रिकॉल बच रहा था। अब जैसे मैं रिकॉल की तरफ जाता हूँ ना, वहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है। अब देखो उसको कैसे मारता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिकॉल कर ही रहा था कि मेरे नज़र जाता है किल पे। मेरे 16 किल हो चुके थे, अभी भी 34 बंदे बच रहे थे, मतलब इस लॉबी से मेरे को अच्छे खासे किल अभी भी बहुत सारे मिल सकते हैं। अब मैं जस्ट यहाँ पे लूटपाट थोड़ा बहुत करके यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि 3 नंबर के पास भी बिल्कुल भी लूट नहीं होगा, तो यहीं पर आएगा लूट करने के लिए।
जस्ट मैं सोचता हूँ पोचिंग की साइड बंदे हो सकते हैं, तो मैं जस्ट पोचिंग की साइड जाता हूँ, बट वहाँ पे मेरे को एकदम भी बंदे नहीं दिख रहे थे। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना एक टीममेट को लेके दूसरे वाले इवेंट की तरफ जाया जाए। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले एक नंबर को लेने के लिए, क्योंकि तीन नंबर के पास तो अभी भी लूट नहीं है। तो जस्ट मैं एक नंबर के पास जाता हूँ, बट ये तो साला पता नहीं किस नशे में था, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ऑनलाइन तो था बट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो छोड़ो यार, मैंने सोचा कि ना तीन नंबर को ही लिया जाए, एक बैकअप के लिए एक टीममेट तो भाई चाहिए ही होता है। अभी भी चार नंबर जिंदा था, अब मैं सोच रहा हूँ कि तीन नंबर को लेके ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं तीन नंबर को लेने के लिए जाता हूँ, और ये देखना ये लुटेरा तो बहुत ज़्यादा लुटेरा था, मतलब इतना भाई कौन लूटता है यार, थोड़ा बहुत लूट ले लो और चलो बंदों के पास। बट नहीं, ये तो भाई साहब पूरे साल भर का लूट एक ही दिन में ले लेता। मेरा इससे दिमाग ख़राब हो रहा था, बट क्या ही करूँ, एक बैकअप के लिए टीममेट चाहिए भी था। लेकिन जस्ट यहाँ पे मैं देखता हूँ चार नंबर को किसी बंदे ने नॉक कर दिया था। मैंने बोला छोड़ा यार इसको, जाने दो, मैं चलता हूँ उसकी तरफ, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे मेरा M416 ना ज़्यादा रिलोड नहीं था, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अब इसको रिलोड करके जाऊँ, पता नहीं कहाँ कब कैसे बंदे आ जाए, है ना। तो जस्ट मैं यहाँ पे रिलोड करके आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था इवेंट पे काफ़ी सारे बंदे होंगे, और वैसा ही था, इवेंट के ना पूरे का पूरा स्क्वाड था। अब देखना तुम आगे कैसे इनको फिनिश करता हूँ मैं। अब यहाँ पे दो बंदे को डाउन करता हूँ, और यहाँ से एक बंदा दिखता है भाई, ऑलमोस्ट इसने ले ही लिया था, मतलब 0 HP छोड़ा है भाई, 0 ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि गेम खत्म है, बट सामने के साइड जिन बंदों को नॉक किया था, देखना उनका पूरा स्क्वाड कैसे खा जाता हूँ मैं। इस वाले क्लच के लिए एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर देना। अब देखो यहाँ पे मैंने इनको फिनिश कर दिया था, अब मेरे टीममेट भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा बहुत लूटपाट करता हूँ और लूटपाट करके निकल जाता हूँ। हाँ, ये वाला इमोट बहुत ही तगड़ा होता है भाई 1v4 करने के बाद। अब जस्ट यहाँ पे मैं लूटपाट कर ही रहा था कि तभी मेरा नज़र जाता है भाई किल पे, मेरे 21 किल हो चुके थे और 20 बंदे अभी भी बच रहे थे, मतलब मैं अपने रिकॉर्ड को तोड़ सकता हूँ। ये मेरे मन में ख्याल आ चुका था कि मेरा हाईएस्ट किल था 24 का, अब मैं इससे ज़्यादा किल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट मेरे हाथ पैर कांप भी रहे थे भाई, क्या बताऊँ, गेम प्ले करते टाइम मैं, मतलब उस टाइम के बाद ना बहुत टाइम पहले किया था, उसके बाद अभी तक वहाँ ऐसा किल मेरे साथ अभी तक हुआ नहीं। हाँ, 15-20 किल हुए थे, 20 किल भी नहीं, 15-16-17 ऐसे किल हुए थे, बट इतने अभी तक हुए नहीं। तो मैं जस्ट पंछी को निकालता और यहाँ से निकलने का सोचता हूँ। मुझे यहाँ पे एमओ की ज़रूरत थी, बट बैग ना यहाँ पे पूरा फुल हो चुका था, पता नहीं नए नए जब अपडेट आ रहे हैं बैग के स्पेस क्या कम होते जा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने हील बूस्ट किया थोड़ा बहुत, जिससे एमओ ले सकूँ मैं, बैग में थोड़ा सा स्पेस बन जाए, थोड़ा बहुत एमओ उठाता हूँ और निकल जाता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि मेरे को बंदे चाहिए थे अभी। अब मेरे को यहाँ पे दो पंछी मिल जाता है, पंछी नहीं है ये, लेकिन कुछ और बोलते हैं, मेरे को पता है ये कुछ तो है, जेलीफिश है शायद से। लेकिन यहाँ पे इनको ये ना एक लेना चाहता हूँ, मेरा बैग फुल था तो मैंने सोचा क्यों ना ड्रिंक गिरा देता हूँ, 5 ड्रिंक तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो यहाँ पे एक ड्रिंक लेके मतलब उठा लेता हूँ एक, और अब यहाँ से निकल जाता हूँ आगे की तरफ बंदे ढूंढने के लिए। अब देखना जो आगे सीन होने वाला था ना, वो तो भाई और ख़तरनाक था। अब जब मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि भाई पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद से ये हो नहीं पाएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्यों ना अगर मैं ये ट्राई करूँ, कोशिश करूँ, अच्छे से गेम प्ले पे फोकस करूँ, तो ये रिकॉर्ड टूट सकता है। अब मैं यहाँ पे माइक वगैरह ऑल पे कर देता हूँ, क्या कोई बंदा मेरे को हैकर वैकर तो नहीं बोल रहा इतने किल देख के, है ना। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इधर कोई बंदा है कि नहीं, मेरे को कोई नहीं दिख रहा था। तो मैंने देखा कि सामने की साइड ना एक ड्रॉप गिर रहा था, तो मैं ना सीधा ड्रॉप की तरफ जाता हूँ, और रेड जोन से भी मेरे को डर लग रहा था कि कहीं रेड जोन ना गिर जाए मेरे ऊपर और गेम प्ले ख़त्म ना कर दे, इसलिए मैं रेड जोन से थोड़ा दूर दूर से ही जा रहा था। अब सामने के साइड जो ड्रॉप गिरा था उससे मेरे को बस वेस्ट और हेलमेट चाहिए था, क्योंकि गन मेरे पास जो है ये काफ़ी है। और यहाँ पे ना जो सीन होने वाला था ना, मैं जैसे ड्रॉप लूट ही रहा था कि मेरे को तभी पीछे से फायर आ जाता है, और यहाँ पे भी मेरा 1v3 हो जाता है एक प्यारा सा, अब वो तुम देख के जाना। अब जैसे ही पीछे से फायर आता है, मैंने बोला चलो यार बंदे तो मिल गए, कम से कम जो होगा देखा जाएगा, सीधा घुसता हूँ मैं उनके ऊपर।
अब देखना आगे ना पूरे 3 बंदे थे। यहाँ पे इजीली इन तीनों को भी ले लेता हूँ। अब मेरे 24 किल हो चुके थे। अब मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक इमोट वगैरह करा जाए। मैंने अपना रिकॉर्ड जो वापस से अचीव कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमोट किया। भाई ढूंढ रहे थे भाई कौन सा इमोट करूँ जो कि अच्छा लगेगा मेरे को। उतना खास इमोट है नहीं भाई मेरा, मतलब मैंने अपने आईडी पे उतने खास खर्चे बिल्कुल भी नहीं किए, जस्ट नॉर्मली रॉयल पास वाले इमोट्स वगैरह है। तो यहाँ पे ये वाला इमोट करता हूँ, हाँ बहुत ही टट्टी है, उतना खास नहीं है। अब जस्ट यहाँ से मैं पंछी को लेकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ना और बंदे की तलाश थी। अभी भी 14 बंदे बच रहे थे, 24 किल तो ऑलमोस्ट मतलब रिकॉर्ड ब्रेक हो ही चुका था, 24 किल हो चुके थे मेरे। अब जल्दी से जल्दी मेरे को एक और किल करना था, तो मैं निकल जाता हूँ क्योंकि एक किल तो करना ही जैसे तैसे। 24 किल हो चुके थे, 14 बंदे अभी अभी बच रहे थे, मतलब एक किल करने से मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। बट यहाँ पे ना काफ़ी देर तक ढूंढता हूँ, मेरे को बंदे मिल ही नहीं रहे थे। भाई जोन तो अभी भी बहुत बड़ा था, बस 14 बंदे बच रहे थे पूरे मैप में। अब जस्ट मैं आगे की तरफ जा ही रहा था कि मेरे 3 नंबर और 1 नंबर को ना कुछ बंदे मिल के मार देते हैं, उनके पेटी बना देते हैं। अब देखो मैं उनसे ना लॉन्ग रेंज में फ़ाइट लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्कोप था और मेरे को पोजीशन भी अच्छा मिल रहा था। बट दूर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता हूँ और एक बंदे को भी ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखना सीन कैसा होने वाला था। अब पता नहीं इसका गाड़ी रुक क्यों गया है यहाँ पे, इस बंदे का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या हुआ था। लेकिन ये वाले गाड़ी को भी बहुत डैमेज किया, ये तो यहाँ पे पता नहीं बच गया, लेकिन इसको पूरा डालने का कोशिश करता हूँ। अब इस बंदे को फिनिश करते मेरे को एक बॉट का किल मिलता है। इस बॉट का किल लेके ना मेरे को एमओ की तरफ नज़र देता हूँ मैं। भाई मेरे पास एमओ नहीं बचे थे, बस 22 एमओ मेरे M4 में थे, और लॉन्ग रेंज के लिए भाई M4 ही चाहिए होता है। तो मैं सोचता हूँ कि ना जहाँ पे 1v3 किया था वहाँ से एमओ लिया जाए, उनके पास काफ़ी सारे लूट्स पड़े होंगे। अब जस्ट मैं वहाँ पे जाता हूँ ना, अब इन बंदों को छोड़ देता हूँ अब, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता। और यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड तो टूट ही चुका था, 26 किल हो चुके थे, 2 किल अभी एक्स्ट्रा कर लिए थे मैंने। अब यहाँ से जस्ट मैं एमओ उठा ही रहा था कि सामने की साइड ना मेरे को बंदे मिल जाते, देखना उनको कैसे मारता हूँ। अब मुझे पता चल चुका था कि बंदे का लोकेशन क्या है, एकदम पहाड़ के ऊपर। अब जो स्प्रे होने वाला है ना जबरा, इसके लिए एक तो लाइक तो बनता है बस। अब इसको जैसे नॉक करता हूँ मैं सीधा उनके ऊपर पुश कर देता हूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि मेरे को ना जैसे तैसे अभी भी स्किल के चाहिए था। अभी चाहे गेम प्ले रहे या चाहे ना रहे, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका था, अब मेरे को बस स्किल चाहिए था। तो मैं सीधा इनके ऊपर पुश कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो सीन होने वाला था ना भाई बहुत ही गंदा। यहाँ पे एक बंदा आके थर्ड पार्टी कर देता है। मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि इसके ऊपर गोला फेंक के मारूँ और उसके बाद इसको मार दूँ, लेकिन यहाँ पे ना ये बंदा तो जैसे इसको मतलब डैमेज करता हूँ ये बंदे को और बंदा मार देता है। अब मेरा HP ऑलमोस्ट जा ही चुका था, और यहाँ पे देखना ये बंदे ना मेरे को बहुत भगाते हैं। अब मेरे को लग रहा था कि गेम प्ले यहीं पे ख़त्म है, बट थोड़ा टाइम और चलता है। अब देखो इनसे कैसे बचता हूँ मैं।
अब यहाँ पे मैंने हीलिंग तो पूरा कर लिया था, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने उतरा तो ये लोग मेरे को इजीली ले लेंगे, क्योंकि ये दो बंदे ना ओपन में फाइट करेंगे, तो मैं यहाँ पे ना फंस सकता हूँ। इसीलिए मैं ना यहाँ पे सोचता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करूँ, बट अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे रुकना ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जोन भी नहीं है। तो मैं सीधा जाता हूँ घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे घर पे मेरे को अच्छे खासे पोजीशन मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जाके ना मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये ही हो जाता है कि मैंने यहाँ पे घर के छत से नीचे कूद जाता हूँ। अब यहाँ पे गेम प्ले का आखिरी पड़ाव आ चुका था, अब देखना ये लोग भी मेरे पीछे ही आ चुके थे एकदम। जस्ट मैं यहाँ पे रिलोड मारता हूँ, अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था और पैनिक में मैंने नीचे कूद गया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और भाई मेरा गेम प्ले यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। खैर आप लोगों ने अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।